नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एनडीए सरकार के चार वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में आई 62% की कमी। रेल सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा। भारतीय सेना में शामिल हुए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के 155 नव प्रशिक्षित जवान। रानीखेत में आयोजित कसम परेड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सैनिकों की बहादुरी पर देश को है नाज। लोहाघाट में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा, 4 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं का गरीबों को मिला लाभ। कोटद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नई दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। 18 जत्थे लिपुलेख दर्रे और 10 जत्थे नाथुला दर्रे के रास्ते पहुंचेंगे कैलाश। अब खबरें विस्तार से। आज नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर रेल मंत्री ने रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल्स नाम के 2 मोबाइल ऐप भी जारी किए। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। 1,00,000 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है, ताकि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस साफ नीयत से और सही दिशा में सही विकास के ऊपर बल दिया है 4 वर्षों में, उसमें भारतीय रेल का भी काफ़ी तेज प्रगति का दौर रहा है ये 4 साल। इन 4 सालों में एक सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है भारतीय रेल में, वो है सोच का। द माइंडसेट ऑफ इंडियन रेलवेज हैज चेंज। रेल मंत्री ने बताया कि 2013 और 14 के दौरान 118 रेल दुर्घटनाएं हुई, जबकि 2017 और 18 में इनमें 62% की कमी आई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय सैनिक देश का गौरव है और हम अब सभी को अपने सैनिकों की बहादुरी पर नाज है। रानीखेत में आयोजित भारतीय सेना की कसम परेड के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने हमेशा ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सीमाओं के सजग प्रहरी के रूप में काम किया। सोमनाथ मैदान में हुई कसम परेड में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के 155 नव प्रशिक्षित जवान भारतीय सेना में शामिल हुए। इनमें 67 जवान उत्तराखंड के हैं, शेष 88 जवान महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों से हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की गौरवशाली इतिहास में एक अध्याय और जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि इन जवानों ने सेना में शामिल होकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सैनिक बनकर देश सेवा करना एक पुण्य का काम है। श्री रावत ने कहा कि देवभूमि के सैनिकों ने अपने त्याग और साहस के बल पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। श्री रावत ने कहा कि वे सेना की गौरवशाली परंपरा से वाकिफ हैं, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय प्रताप सिंह रावत भी सैनिक थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव प्रशिक्षित जवान सेना की महान गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रानीखेत में पानी की समस्या को देखते हुए कोसी भुजान पेयजल पंपिंग योजना तैयार किए जाने की घोषणा की। इस योजना के लिए 13 करोड़ रुपए सेना द्वारा दिए जाएंगे और शेष धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी। कुमाऊं रेजिमेंट की जो हिस्ट्री है, वास्तव में मुझे लगता है कि देश की नंबर वन रेजिमेंट की उनकी हैसियत है। कि जानकारी में आया कि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, रानीखेत कैंट और यहाँ जो आसपास के गांव उसके लिए कोसी भुजान एक 60 करोड़ की परियोजना है और ये लिफ्ट योजना है। मैंने यहाँ पर घोषणा की है ताकि इस पूरे इलाके को जो पानी की समस्या है और आने वाले समय में जो और भी बढ़ सकती है, उसके लिए ये योजना समय पर बने, इसके लिए मैंने आज ये देहरादून में जो रिस्पना है, जिसको ऋषि परणा कहा गया था, और कुमाऊं की लाइफ लाइन जो कोसी है, इन दोनों को हमने सामने रख करके अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस बार जब हरेला पर्व होगा तो उसी दौरान इन दोनों नदियों में लाखों पेड़ लगाए जाएंगे।
कसम परेड समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षित जवानों को विशेष मेडल से सम्मानित भी किया गया। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर कोटद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। लाभार्थी बूथ संपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 4 सालों में आम जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। जो तमाम भारत सरकार की चाहे उज्ज्वला योजना है, किसान योजना है, कन्यादान योजना है, जितनी भी भारत सरकार की योजना है उनसे जो जिनको लाभ मिला है उन सब लाभार्थियों का आज सम्मेलन था। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 100 से अधिक की योजनाएं, चाहे किसान हो, गरीब हो, आवास योजना हो, पूरे हमारी कोटद्वार विधानसभा में हजारों लोगों को भारत प्रधानमंत्री की और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। हमारे घर में गैस नहीं थी और हमें काफ़ी दिक्कत होती थी और जंगल कभी वगैरह जाना पड़ता था, लकड़ियाँ भी नहीं मिलती थी, पर जब से हमें गैस मिली है हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब और ना लकड़ी ढूंढनी पड़ती है अब, ना जंगल जाना पड़ता है। जब से वो जल गैस प्राप्त हुई है तब से मुझे बहुत आराम है। ये लकड़ी से जलाने में बहुत दिक्कत आती थी, बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और काफ़ी। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में स्वच्छ प्रशासन देने के साथ साथ गरीबों के लिए नई कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिला है। चंपावत जिले के लोहाघाट में लाभार्थी सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को नई पहचान दिलाई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। इसी सम्मेलन के माध्यम से हमने उन सभी योजनाओं को कार्यकर्ताओं तक और लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है, उनका लाभ उन्होंने लिया है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि सरकार जो कि काम करने के बाद उसकी पुष्टि करती है, हम पुष्टि भी करते हैं कि कितने लोगों ने लाभ लिया है। अगर वास्तव में उजाला कनेक्शन कितने लोगों ने लिया है, हमने उज्ज्वला कनेक्शन का कितने लोगों ने लाभ लिया, जनधन बीमा खाता, सुकन्या, ऐसे विभिन्न प्रकार के सैकड़ों मुद्रा बैंक, तो वो सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक जो पहुँचा है उसका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन में वो सभी बातें आ रही है जिनका लाभ लेकर के आज अपने जीवन को सुधारने का काम देश की जनता कर रही है। शेष समाचार इस प्रोमो के बाद। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था कि हमारे घर में बिजली लगे, कभी नहीं। और सोचता था कि बिजली हमने के घर आई, ये है योजना। आप उनको कहीं नहीं जाना है, हम जाके उनका आवेदन लेंगे, अब वहीं पर हम कनेक्शन देंगे, एक नया पैसा हमको नहीं देना। इसके पहले 48 वर्षों में प्रति वर्ष 5000 मेगावाट जोड़ा जाता, 4 वर्षों में हमने उसको बढ़ा करके 24000 मेगावाट प्रति वर्ष हमने जोड़ा। चंपावत में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 90% परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब और निर्धन लोगों को 5 लाख तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। गौरतलब है कि चंपावत में इस योजना की शुरुआत मोनकंडा में की गई थी। जिले में योजना की नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि जिले के चारों विकास खंडों के 10,844 परिवारों का पंजीकरण किया गया है, जो चिन्हित परिवारों का 90% है। हिसाब से जो चिन्हित परिवार हैं और उसमें से हमारे पूरे चंपावत में 10,844 परिवार हैं सारे ब्लॉकों को मिला के, और काफ़ी हद तक 90% हमने इन परिवारों को चिन्हित कर लिया है। उनसे हमने आधार कार्ड, राशन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, आईडी नंबर और एक फ़ोटो ले लिया है। और जैसे ही आयुष्मान भारत, चूँकि आयुष्मान भारत में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है, और 5 लाख की जो सुविधाएं देनी है उनको स्वास्थ्य के लिए, जो कहीं पर भी जो सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में दोनों में मिलनी हो। विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को आज नई दिल्ली से रवाना किया। पहले जत्थे में 60 श्रद्धालु शामिल हैं जो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। यात्रा के लिए इस साल 1500 लोगों को चुना गया है। 60-60 श्रद्धालुओं के 18 जत्थे लिपुलेख दर्रे के जरिए
कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। वहीं 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर पहुंचेंगे। यात्रा को लिपुलेख दर्रे से पूरा करने में प्रत्येक जत्थे को 24 दिन लगेंगे, जिसमें दिल्ली में तैयारी करने के 3 दिन भी शामिल हैं। इतने लोगों को भेजना अभी तक हमारे लिए कठिन है और इसमें तकरीबन 1500 के करीब लोगों को चुना गया, जिसमें 18 बैच 60-60 यात्रियों के लिपुलेख से जाएंगे और 10 बैच 50-50 यात्रियों के नथुला से जाएंगे। यात्रा दुर्गम है, हम कोशिश करते हैं कि इस यात्रा में आपको सब तरीके से हम आपकी सहायता करें और इसलिए अब की बार हमने दो अतिरिक्त लिएजो ऑफिसर आपके साथ रखे हैं, ताकि खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन से उनकी सहायता हो सके। वैसे तो जो सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मानसिक तौर पे बाकी आपसे जो कम उम्र वाले उनसे ज़्यादा फिट हैं। इधर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि खराब मौसम के कारण पिथौरागढ़ से गुंजी के बीच का सफर यात्री हेलीकॉप्टर से तय करेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी का कहना है कि यात्रा कैसे होगी, इस पर अंतिम फैसला विदेश मंत्रालय द्वारा ही लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्मों की शूटिंग पर लगने वाला शुल्क समाप्त कर दिया है। देहरादून में 5 दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स के समापन के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला प्रदेश के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि FTI पुणे के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के कोर्स संचालित किए जाने चाहिए और इसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। वहीं FTI पुणे में आए फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के निदेशक पंकज सक्सेना ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राज्य में इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रदेश में जिला नियोजन और विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रियों को दिए गए जिलों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। इसके तहत श्री सतपाल महाराज को हरिद्वार जिले का प्रभार दिया गया, जबकि श्री प्रकाश पंत को चमोली और रुद्रप्रयाग, श्री मदन कौशिक को ऊधम सिंह नगर व नैनीताल और डॉक्टर हरक सिंह रावत को अल्मोड़ा जिले का प्रभार दिया गया। वहीं श्री यशपाल आर्य को देहरादून, श्री सुबोध उनियाल को पौड़ी, श्री अरविंद पांडे को पिथौरागढ़ और चंपावत, जबकि श्रीमती रेखा आर्य को बागेश्वर और डॉक्टर धन सिंह रावत को टिहरी व उत्तरकाशी का प्रभार सौंपा गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से एशियाई खेल 2018 में भाग लेने जा रही सीनियर भारतीय कनो सलालम टीम के लिए रुद्रप्रयाग में प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। 24 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन जिले के गबनी गांव में हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों ने मंदाकिनी नदी की तेज धारा पर अपना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पहली बार किसी खेल का राष्ट्रीय टीम का प्रशिक्षण केदारघाटी जैसे दूरस्थ स्थान पर किया जा रहा है। कैंप का आयोजन उत्तरांचल कयाकिंग कैनोइंग एंड राफ्टिंग एसोसिएशन कर रही है, जो इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन की इकाई है। इस कैंप में टीम के 10 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कैनू और कयाक सलालम बहती हुई पहाड़ी नदी पर आयोजित होने वाला खेल है और उत्तराखंड में दर्जनों नदियां इस स्तर को पूरा करती हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा NDA सरकार के 4 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में आई 62% की कमी। रेल सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा। भारतीय सेना में शामिल हुए कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के 155 नव प्रशिक्षित जवान। रानीखेत में आयोजित कसम परेड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सैनिकों की बहादुरी पर देश को है नाज। लोहाघाट में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा 4 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं का गरीबों को मिला लाभ। कोटद्वार में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नई दिल्ली से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुआ पहला जत्था। 18 जत्थे
लिपुलेख दर्रे और 10 जत्थे नाथुला दर्रे के रास्ते पहुंचेंगे कैलाश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।